हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमन नायक और आप देख रहे हैं हिंदी टेक गाइड। दोस्तों, अगर प्ले स्टोर में आप ऐप पब्लिश करते हो तो आपको एक नोटिस आया होगा कि जो टारगेट ऑडियंस और कंटेंट सिलेक्शन है उसको आपको 1 सितंबर से पहले उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो आपकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको फिक्स करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, नहीं तो आपकी जो ऐप है ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डिलीट हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो उससे पहले आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों मेरा हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल बटन में जरूर क्लिक करना। दोस्तों, तो आपके पास अगर ऐसा एक नोटिस आया है, टारगेट ऑडियंस सेट करना है कंटेंट सिलेक्शन में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप नया ऐप पब्लिश कर रहे हो तो आपको ऐप पब्लिश करते टाइम वो फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिश कर चुके हो बहुत दिन पहले, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा रिसेंस में, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा स्टोर लिस्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग, यहाँ पे अगर लोगो वगैरह आपको अपडेट करना है, कुछ टेक्स्ट वगैरह अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जिसे मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बताया। अगर आपने लोगो अपडेट नहीं किया होगा तो लोगो को भी ऐसे अपडेट कर लो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा आपको लोगो के लिए, तो जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करके अपडेट कर लो। तो आते हैं ऐप कंटेंट, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऐप कंटेंट का जो रेटिंग है, ऐप कंटेंट कौन सा टारगेट एज के लिए आपको सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप ऐसा आओगे तो यहाँ पे आपको देखो टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट ऐसा एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना स्टार्ट। एक्चुअली आपका जो ऐप है वो कौन सी ऑडियंस के लिए, कौन सी टारगेट के लिए है, ठीक है, तो ये मेरा जो ऐप है कौन से टारगेट के लिए है, 9 से 12, 13, 16, 18, इसको सिलेक्ट किया मैंने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब आ रहा है, देखो अगर 13 के ऊपर वाला आप सिलेक्ट करते हो तो बहुत आसान है, जस्ट क्लिक करोगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर 13 के नीचे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ऐसा कुछ फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है, मेरा जो फंक्शन है वो सबके लिए है क्या, विदाउट स्पेशल केस सबके लिए है। ठीक है, मेरा जो ऐप है वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्योंकि मैंने इसमें एडवर्टाइज लगाया है, यस, उसके बाद इसको ओके करके टिक मार्क करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब आता है कि ये जो एड है सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन गूगल प्ले सर्टिफाइड एड, अगर आप एडमो भी यूज कर रहे हो तो बिंदास आंख बंद करके इसको यस कर दो, अगर एडमो भी यूज नहीं कर रहे हो तो उसको नो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डिजाइन फॉर फैमिलीज, तो इसमें मैं नो करता हूं, नेक्स्ट के बाद सबमिट। तो देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों, एक छोटा सा काम है, जरूर आप कर लेना, नहीं तो आपका जो ऐप है वो ब्लॉक हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसा ऐप लेके अपडेट लेके आता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन में दिया हुआ हिंदी टेक गाइड लोगों पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।